और जैसे कि हम लोग सोचे थे कि हर साल एक फैमिली ट्रिप करेंगे, तो जिससे वो ट्रिप जैसे पिछले बार गए थे हम लोग दार्जिलिंग, तो इस बार गोवा का प्लान है। तो गोवा में इस बार सेंट फ्रांसिस जेवियर संत पिता का रेलिक्स सेरेमनी है, जो कि 10 ईयर्स में एक बार उनका एक्सपोजिशन सेरेमनी होता है। तो गोवा में इससे बेटर टाइम मतलब और कब मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ मतलब रिजुविनेट भी हो जाएंगे, तो इसीलिए हम लोग ये ट्रिप इस टाइम प्लान किए हैं। तो हम लोग निकले हैं बेंगलोर से, मैं और अंजू और मम्मी लोग, मीतू दीदी लोग और उनके फैमिलीज, दीदी लोग सब लोग बस में ट्रेन में आ रहे हैं। फिर लोग रायपुर से फ़्लाइट लेके शाम तक पहुँचेंगे, हम लोग सुबह अभी 8:30-9 बजे तक पहुँचेंगे। तो रास्ता तो ख़तरनाक है यहाँ का, मतलब क्या धारवाड़ या कुछ कुछ हुबली होके जा रहा है पूरा, मतलब सीनरी तो नेचुरल सीनरी बहुत ही मस्त है, आप देख सकते हैं। हम लोग जस्ट पहुँचने ही वाले हैं और यहाँ पे कहीं पे स्टॉपेज है जहाँ पे फ्रेश होने के लिए बस रोका है और VRL बस में आ रहे हैं। इतना ऊपर नीचे पहाड़ है कि मतलब क्या बोलेंगे, प्रेशर डिफरेंस हो रहा है पूरा, उल्टी उल्टी लग रहा था, जैसे जैसे कंट्रोल किया हूँ। I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that. मडगांव बस स्टैंड पहुँच गए और यहाँ से हम लोग जो एयरबीएनबी से बुक किए थे ना, वो घर 2.4 किलोमीटर है, तो हम लोग सोच रहे हैं चल के ही चले जाते हैं। और सही है, यहाँ पे स्कूटी बुक करने का सोच रहे थे लेकिन कॉस्टली दिखा रहा है और मिनिमम 3 डेज का लेना बोल रहा था, मतलब रिव्यू देख रहे थे। सही है, यहाँ का बस सर्विस सही है, मतलब लोकल बस यहाँ पे देख सकते हैं जो आ रहा है। और मडगांव बस स्टैंड में ही रोका है और आई गेस यहाँ से हम लोग इजीली जा सकते हैं पणजी वगैरह। तो आते ही पहले पानी पी लेते हैं, कोकोनट वाटर। बुबू बस में हालत खराब हो जाता है बुबू का, तो मेरा भी। तो फाइनली हम लोग जो एयरबीएनबी से जो बुक किए थे वो घर में पहुंच गए हैं, और जो लग रहा था कि कोई कोई घर मतलब जो दिखा रहा है लिस्ट करता है वेबसाइट में, वो ऐसे होता नहीं है, पर ये घर मतलब सही है यार, बहुत मतलब अच्छा है, पूरा घर दिया है, मतलब 3 बेडरूम है, एक हॉल है और तीन सौ बेड भी है, और एक हॉल है जहाँ पे मतलब हम लोग बड़ा सा मतलब बिस्तर बिछा सकते हैं 8 लोगों के लिए, वहाँ पर गद्दी दिया हुआ है। और ये ड्राइंग रूम है, यहाँ पे सोफा सेट है और ये डाइनिंग रूम भी है, और इधर किचन है, किचन में फ्रिज दिया है और गैस वगैरह दिया है, और यूटेंसिल्स वगैरह में सब कुछ प्रोवाइड किया है। तो ये एयरबीएनबी का मतलब जैसे देखे थे वैसे ही है, पानी फिल्टर वगैरह एसी सब कुछ है, और वॉशरूम कॉमन वॉशरूम दिया है, फिर मतलब हर रूम में अटैच बाथरूम है, तो मतलब काफ़ी सही है, मतलब एयरबीएनबी से पहली बार बुक किए और सही ही लग रहा है, और मतलब ओनर जो है ऊपर रहता है वो भी मतलब सही बात किया। तो अभी चेक कर सकते हैं एयरबीएनबी। और समय में स्वाभिमान पहुँच गई, सुबह पूरा थकाल नींदाल, सुबह पूरा आई ओमान सब सुबह मन दबाए जहाँ। गुड मॉर्निंग, आज है पहला दिन और हम लोग आज तो सैन फ्रांसिस जेवियर उनका रैली सेरेमनी 9:30 AM होली मास अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग को साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा के बीच में है, तो अभी हम लोग को लग गया था 1.5 घंटा, और सब लोग रेडी हो गया है और घर तो अच्छा ही था। और मीतू दीदी दो शब्द बोलेगा, दो शब्द दीदी दो शब्द बोलेगा, हाय गुड मॉर्निंग, दो शब्द हो गया बोलो दो शब्द बोलो। ये हमारा DSM मैडम अभी कितना जांच किए थे बताएंगे सर, चलो बोल। ये संजू दो सब गुड मॉर्निंग, हम लोग जा रहे हैं अभी सेंट फ्रांसिस का, वो स्पेशली का बम जीसस। हाँ दीदी दो सब बोलेंगे,
गुड मॉर्निंग मुंबई नहीं गोवा तुम्हें हाय हाय कर दो हे मेरे ईश्वर मैं आज के सब इंतकाम Name Lazarus, no Satan gon' be mad at this. I had to ask my dad if it's okay to swing my bat at this. He said, boy, if I picture this out of the park, moving so quick, it's like they stuck in park. They see the numbers, but I see the heart. 10,000 hours, you spit in the dark. तो हम लोग बेसिली का बॉम्बजी के सामने पहुंच गए हैं लेकिन थोड़ा ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन है तो पूरा वहां तक गाड़ी नहीं जा रहा है हम लोग को यहाँ पे यहाँ से चल के जाना पड़ेगा थोड़ा 200-300 मीटर है हम लोग आ गए हैं हम लोग लेट में आए तो हम लोग रिलीज सेरेमनी में आ गए हैं अभी होली मास 9:30 है फॉलोड बाय प्रोसेशन होगा इसी कैथेड्रल तक उधर तक लेकिन हम लोग लेट में आए तो हम लोग को जगह बहुत पीछे मिला है तो अंदर में कैमरा फोटोग्राफी मना है थोड़ा देर के लिए बस मास से पहले कर रहा हूँ सेक्रेट रिलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर उनको बाहर निकाल रहे हैं और ये वाला इलेक्ट्रिक गाड़ी में मतलब प्रोसेशन होगा एसटी कैथेड्रल तक उधर तक तो अभी बहुत भीड़ है मतलब आगे जाना पॉसिबल ही नहीं है Thank you.
तो संत सेवियर संत पिता का डेथ हुआ था 1552 में, और आज मतलब ऑलमोस्ट 525 साल ये बॉडी प्रिजर्व है, मतलब मोस्ट इनकरप्टेबल बॉडी है, यही हम लोग मानते हैं। और इनको हर 10 ईयर्स में एक बार ऐसे एक्सपोजिशन के लिए, वेनरेशन के लिए निकालते हैं, और उनका बॉडी मोस्ट इनकरप्टेबल है। तो अभी प्रोसेशन को बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस से उनको प्रोसेशन होते हुए ऐसी कैथेड्रल में उनको रखा जाएगा 15 दिन के लिए, 5 जनवरी तक वेनरेशन के लिए, एड्रेशन के लिए, वेनरेशन के लिए तो उनको लिया जा रहा है। बहुत भीड़ है, आगे जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे हम लोग का ये सेरेमनी ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी वेनरेशन ऐसी कैथेड्रल में चल रहा है, तो हम लोग लंच करने को जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का बेसिलिका बॉम जीसस में अभी हम लोग फोटोज़ खींच रहे थे। थोड़ा आर्किटेक्चर एकदम 400-500 साल पुराना है, सही लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। मतलब आर्किटेक्चर ना दिन के बाद, मतलब 400-500 साल पहले इसे बनाया गया था, मतलब खतरनाक ही है। हम लोग लंच करने गए थे अभी, मछली तो अच्छा लगा, लेकिन नॉर्मल थाली उतना अच्छा नहीं था। हाँ, और अभी हम लोग आए, वेनरेशन 1 बजे से था अभी, लेकिन इतना खतरनाक लाइन है ना, क्या बोले, खतरनाक लंबा लाइन है। ऐसी कैथीड्रल इधर है, और वहाँ से वेनरेशन के लिए इतना लंबा लाइन है अभी। पूरा देखिए, बाहर पूरा रोड में लाइन है, फिर अंदर कैंपस में भी लाइन है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, टाइम पास चल रहा है, टाइम पास। आधा हम लोग आदमी लोग उधर पीछे तरफ भी है, लाइन अभी धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि लोग बीच बीच में घुस जा रहे थे, बोल के लाइन जा ही नहीं रहा था। अभी फादर जी लोग आके थोड़ा बोले अच्छा से, तो अभी सब लोग लाइन फॉलो कर रहा है, तो अभी थोड़ा जल्दी बढ़ रहा है। समारिटन 3 वाला है, याद है ना ये वाला। तो अभी हम लोग वेनरेशन करके आए अंदर से, अंदर भी फोटोग्राफी मतलब बना किया गया है, सही है मतलब, और मतलब शांति सब कुछ अच्छा हो इसलिए, और सही है मतलब, अच्छा फील हुआ। रिलिक्स मतलब 525 ईयर्स का मतलब प्रिजर्वेशन, मतलब कैसे मतलब करप्ट नहीं हुआ बॉडी, मतलब नॉर्मली, मतलब ऐसे इतना दिन तक रखा हुआ है, तो थोड़ा वंडरफुल है। और फेथ ही सब कुछ ड्राइव करता है, ये विश्वास करते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से एक फ़ोटो लेके। Thank you.
आज का दिन, आज स्पिरिचुअल ट्रिप हो गया। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं गाड़ी का। तो आज हम लोग का सब कुछ रैपअप हो गया, आए सब लोग खाना बनाए। तो एयरबीएनबी का अच्छा ये है कि किचन उचन सब कुछ मिलता है और रूम सब तो अच्छा है, मैं ऑलरेडी दिखाया था। क्या 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 हुआ, क्या हुआ? हाँ तो हाँ, रुको रुको, तो हम लोग आज आराम से प्रे करके सब लोग खाना पीना का क्या सब सोने सोने आ गए। क्या बोल रहे सर? अरे कल सुबह 7 बजे तक मत उठाना, कल आराम से सोएंगे। अच्छा तो जाना नहीं है ना, जल्दी जाना नहीं है, ये तो अंदर से मत कर दे, नहीं तो तेरी बुढ़िया आएगी ना। अच्छा तो हमारे मम्मी लोग आके हम लोग उठा देते हैं जल्दी, इसलिए हम लोग पहले से ही बंद कर दिए हैं। तो एक्सप्लेन करने बोलो, अंजू बताइए आज सुबह का। अच्छा आज सुबह क्या होता बता 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 बताओ बताओ